आएंगे, उसके बाद हमारे सांसद बहन दुग्गल जी बोलेंगे, हमारे बहुत ही निष्ठावान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, मनोहर लाल खट्टर जी जिंदाबाद, चौधरी रंजीत सिंह जी जिंदाबाद, बहन सुनीता दुग्गल जी जिंदाबाद, बहन सुनीता दुग्गल जी जिंदाबाद, हमारे बहुत ही होनहार एमपी सिरसा की आन और शान अब आपको संबोधित करेंगे। सिरसा की पाक पवित्र धरती पे आज जो हमें इतनी बड़ी जिम्मेवारी कैबिनेट मंत्री के तौर पर आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी को मिली है, इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत ही मान सम्मान के योग्य आप सबके चहेते, आपके मंत्री, राणिया से विधायक, हरियाणा सरकार में कैबिनेट के मंत्री भाई चौधरी रणजीत सिंह जी, उनके साथ में ही सिरसा लोकसभा से जो हमें भारतीय जनता पार्टी के दो और विधायक मिले हैं, आदरणीय भाई दूड़ाराम जी जो कि फतेहबाद से विधायक हैं, मेरे भाई लक्ष्मण नापा जी जो कि रतिया से विधायक हैं, और हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ नेता जगदीश चोपड़ा जी, हमारे हरियाणा सरकार में काफी समय तक जो चेयरमैन रहे भाई आदित्य चौटाला जी, सिरसा से पूर्व में विधायक रहे आदरणीय मक्खनलाल सिंगला जी, हमारे भाई मनीष सिंगला जी, भूपेश मेहता जी, बलवान जांगड़ा जी, कुलदीप भांबू जी, श्यामलाल जी मेहता, देवेंद्र सोनी जी, प्रदीप रातुसरिया जी जो कि यहां से चुनाव लड़े, हमारी बहन जो कि चौधरी साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जब तक परिवार का साथ नहीं होता राजनीति करनी बहुत मुश्किल है, ऐसी हमारी आदरणीय इंदिरा सिहाग जी और चौधरी साहब के सुपुत्र गगनदीप जी, उनकी बहुत ही प्यारी प्यारी पोतियां ऐश्वर्या, गायत्री और उनका पोता सूर्य प्रकाश, सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हुए बहुत ही मान सम्मान के योग्य, सच में जिसको कहा जाता है कि जनता जनार्दन, आज जो कुछ भी है हम लोग वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से, और ये आप लोगों ने साबित कर दिया 32 साल का संघर्ष कोई छोटा नहीं होता। 32 साल में एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है वो ब्याह शादी होके अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है 32 साल में, और इतने साल तक राणिया के कार्यकर्ताओं ने कंधे से कंधा मिलाकर जो चौधरी साहब का साथ दिया है, मुझे लगता है कि शायद इस जन्म में तो चौधरी साहब आप लोगों का कर्जा उतार नहीं सकते, और उनकी इस खूबी को ही ध्यान में रखते हुए, उनकी इस खासियत को ध्यान में रखते हुए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जब ये सोचा कि अपनी कैबिनेट में अपने खास वजीर किसको रखा जाए, तो तब उनका ध्यान, सबसे पहला ध्यान अगर किसी का आया तो चौधरी साहब का नाम था, क्योंकि चौधरी साहब ने बंटे के साथ ही सबसे पहले ये बात मुझे कही कि बहन जी बिना किसी शर्त के, कहते मैं तो इतना शुक्रगुजार हूं राणिया की जनता का कि जो मुझे इतने जबरदस्त मैंडेट के साथ 19,000 से यहां से मुझे लीड दिलवाकर जो राणिया की जनता ने मुझे जिताया है, तो मैं तो इस जनता का इतना शुक्रगुजार हूं और मैं बिना किसी शर्त के आपके पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने को मैं तैयार हूं। सबसे पहला अगर कोई आदमी था जिसने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देने की बात कही तो वो हमारे आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी। तो मैं यही कहूंगी
कि ये परस्पर एक दूसरे के लिए प्यार होता है। चौधरी साहब का प्यार आप लोगों के लिए और आप लोगों का प्यार चौधरी साहब के लिए। चौधरी साहब का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी का प्यार चौधरी साहब के लिए। आप ये देखिए कि कितनी बड़ी कामयाबी आज इस सिरसा जिले को नसीब हुई है कि यहां का वजीर, सिरसा जिले का वजीर आप लोगों के सामने है। और 15 साल के बाद मुझे लगता है कि शायद 15 साल के बाद इस जिले के भाग खुले हैं और इस जिले में अब जबरदस्त तरीके से विकास होगा। सांसद आपका है, मंत्री आपका है, और क्या चाहिए आपको। हम लोग समय समय पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आप लोगों के बीच में लाते रहेंगे और मुख्यमंत्री जी पहले भी आते रहे और अब तो हमारे चौधरी साहब मंत्री भी बन गए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरी सिरसा लोकसभा का ही नहीं, वैसे तो वो इतने बड़े विशाल हृदय के हैं कि पूरे हरियाणा का ही बहुत ध्यान रखेंगे, लेकिन आप लोगों का प्यार उनको खींच के लाएगा बार बार। और इस इलाके का विकास तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जबरदस्त तरीके के साथ हमारे चौधरी साहब आप लोगों के सामने करके दिखाएंगे। तो बड़ी पंचायत में आप लोगों ने मुझे पहुंचा दिया, छोटी पंचायत में हमारे वजीर बन गए चौधरी साहब, तो अब हमारी बारी है। आप लोगों ने अपना काम कर दिया, अब इस इलाके का विकास करने की जिम्मेवारी हम लोगों की है। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता यहां आप लोगों के सामने मौजूद हैं, चाहे मैं बात करूं चोपड़ा साहब की, चाहे प्रदीप जी हैं, भाई मनीष जी हैं, हम सब मिलकर, चौधरी साहब यहां से वजीर हैं, उनकी अगुवाई में दिल्ली में आप लोगों की जिम्मेवारी मैं संभालूंगी और हरियाणा में चौधरी साहब आपकी जिम्मेवारी संभालेंगे। कोई आपका काम ऐसा नहीं होगा जैसा कि चौधरी साहब ने भी कहा। अभी चौधरी साहब बताएंगे भी सही, मुझे रास्ते में बताते आ रहे थे, कहते बहन जी मैं इन लोगों का एहसान भूल नहीं सकता। और मैं भी हैरान थी देखकर कि दिल्ली से बहादुरगढ़ से शुरू हुए थे और वहां से लेकर जैसे जैसे हम सिरसा के नजदीक आते चले गए, फतेहबाद से लेकर, चाहे धांगड़ की बात करूं मैं, चाहे बड़ोपल की बात करूं मैं, भावदीन की बात करूं मैं, पतली डाबर, डींग, अरे रास्ते में आते 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 हजारों की संख्या में जबरदस्त तरीके से हमारे भाइयों ने, समर्थकों ने चौधरी साहब का स्वागत किया। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूं कि जिस तरह का विश्वास 32 साल से जो आप लोगों की तपस्या अभी सफल हुई है, इस विश्वास को और ज्यादा बढ़ाने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। और चौधरी साहब आप लोगों को ऐसे ही साथ लेकर चलेंगे। उनके अंदर नेताओं जैसी जैसी नेता सुनने में आते थे ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल आप लोगों के परिवार के सदस्य हैं, किसी के भाई हैं, किसी के ताऊ हैं, किसी के चाचा हैं, इस तरह के हमारे आदरणीय चौधरी साहब हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत इस बात को लेकर खुश होंगे कि आप लोगों की जो मेहनत थी उसको परमात्मा ने सफल किया और विधायक बनने के बाद इनको मंत्री बनाकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो हम पर एहसान किया है, इस एहसान को भी हम आगे तक याद रखेंगे और आने वाले समय में जब भी मौका मिलेगा हम उस एहसान को भी उतारेंगे। बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद, इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हो, और कितने समय से, कितने घंटे से यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूं। और दिल्ली में संसद शुरू हो रही है कल से, सबका आपका बहुत बहुत स्वागत है, भारी संख्या में वहां पर भी पहुंचो, दिल्ली में भी अपना पूरा कब्जा है, जिसने भी किसी ने भी मेरे भाई ने संसद देखनी हो वो लोग वहां पर पहुंचो। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सांसद बहन सुनीता दुग्गल जी ने, आपके विचार अपने सामने रखे। अब हमारे दिलों की धड़कन, जिनके लिए हम संघर्ष, जोश, सब कुछ